दो दिन में अमेठी दौरे पर, दो दिन के अमेठी दौरे पर रहने वाली हैं। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और लखनऊ से सड़क मार्ग से तकरीबन 2:30 बजे अमेठी पहुंचेंगी स्मृति ईरानी। जगदीशपुर में सेल फैक्ट्री का निरीक्षण करने वाली हैं और जगदीशपुर में भी वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता उनका सम्मान करेंगे। तो वैचियर गेस्ट हाउस में वो रात्रि विश्राम करेंगी और 10 अक्टूबर को गौरीगंज के कोहार में जनसभा को संबोधित करेंगी। आपको बता दें कि उसकी अध्यक्षता भी करेंगे और जनसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो डिप्टी सीएम दिनेश केशव प्रसाद मौर्य, माफ कीजिएगा, और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी और अपने 2 दिवसीय अमेठी दौरे पर वो आज तकरीबन 2:30 बजे पहुंचेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अमेठी आ रहे हैं। जिला मुख्यालय गौरीगंज के कौहार में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये कौहार का मैदान है जहां पर कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे दिखाएं किस तरह से मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं। तैयारियां जोर शोर चल रही है। मंच के पीछे ही हेलीपैड बनाया गया है जहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष का विमान उतरेगा या नेताओं का विमान उतरेगा, वहां से बगल मात्र 10 कदम की दूरी पर ये मंच लगाया गया है। पूरे कार्यक्रम में करीब 2 लाख लोगों के आने का अनुमान है। प्रशासन ने भी पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जीतोड़ मेहनत की है और लगातार प्रशासनिक अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन आलोक के साथ अखिलेश सोनी, समाचार प्लस, अमेठी।